दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं तो आपने नीति मोहन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन बॉलीवुड सिंगर हैं और उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही सुरीली है। लेकिन क्या आप जानते हो कि रिसेंटली नीति मोहन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद काफ़ी सारे के पॉप फैंस को लगता है कि के पॉप इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री जल्दी ही कोलैब करने लायक बन चुकी है और शायद इस कोलैब में BTS भी इंडिया आ सकते हैं। लेकिन आखिर ये पूरा माजरा है क्या, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो नीति मोहन बहुत ही ज़्यादा सुरीली सिंगर हैं और इंडिया में वो बहुत फेमस हैं। और रिसेंटली कोरियन कल्चर सेंटर ऑफ इंडिया ने एक के पॉप कॉन्सर्ट दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया था जो कि टोटली फ्री था, जहाँ पर आपको बस पहले जाकर अपने टिकट्स लेने थे और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के रखना था। तो इस कॉन्सर्ट में बेसिकली कुछ के पॉप ग्रुप्स भी आए हुए थे जो कि परफॉर्म करने वाले थे और यहाँ पर इंडिया की फेमस सिंगर नीति मोहन को भी बुलाया गया था। तो पहले तो लोगों को लगा था कि नीति मोहन यहाँ पर आकर हिंदी सॉन्ग्स ही गाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरे इंडिया को शॉक कर दिया जब उन्होंने यहाँ पर गॉबलिन का OST गाया। यानी एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है गॉबलिन का जिसका नाम है स्टे विद मी, और नीति मोहन ने स्टेज पर उसी सॉन्ग को गाया, वो भी कोरियन में। और उनकी आवाज़ सुनकर लग ही नहीं रहा था कि उनको कोरियन नहीं आती होगी या फिर वो हिंदी बोलती होंगी, मतलब बहुत ही फ्लुएंटली और बहुत ही सुरीला गाया। और ये वीडियो इंडिया के साथ साथ कोरिया में भी काफ़ी वायरल हो रही है और बहुत ही सारी इंडियन आर्मीज को ऐसा लगता है कि अब नीति मोहन की इस वीडियो की वजह से केपॉप में इंडिया की और ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन सेलिब्रिटीज़ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और अब नीति मोहन ने इतना सुरीला OST गा ही दिया है तो कोरिया की दुनिया में भी ये काफ़ी वायरल हो रहा है। ऐसे में बहुत ही सारे लोगों को ये लगता है कि केपॉप इंडस्ट्री जल्दी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी है, क्योंकि बहुत ही सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी केपॉप में जाना चाहते हैं, जैसे कि अरमान मलिक जो कि काफ़ी फेमस हिंदी सिंगर है, उन्होंने भी ये बात बोली है कि वो किस तरीके से केपॉप से कोलैब करना चाहते हैं और BTS के साथ भी कोलैब करना चाहते हैं। इवन अरमान मलिक ने तो ऑलरेडी एक सॉन्ग एक कोरियन ग्रुप के साथ लॉन्च कर भी दिया था और अब नीति मोहन भी इतना सुरीला कोरियन गा रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और इवन केपॉप इंडस्ट्री में भी कुछ इंडियन एक्टर्स ने अपना डेब्यू कर ही लिया है, जैसे कि अनुष्का सेन रिसेंटली कुछ कोरियन मूवीज़ में नजर आई थी। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि शायद नीति मोहन की वजह से BTS जल्दी ही इंडिया आ जाएंगे। जब केपॉप इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट होगी तो BTS भी उसी फ्लो में साथ आ ही जाएंगे। तो आर्मीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि BTS इस वजह से जल्दी ही इंडिया आ पाएंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट में कैपिटल लेटर्स में INDIA यानी इंडिया जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।